गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार की तरफ से एक बहुत ही अनोखी पहल के तहत आपके बीच में प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे 10 प्रश्नों के एक अच्छे संकलन के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हो जाता हूं। तो चलिए आज के संकलन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आपको प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं, आप करिए। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? मित्र, आपको पता है वर्षा जो है आपका जो है जून जुलाई अगस्त में लगभग वर्षा होता है, तो वर्षा के बाद जब मौसम आप देखेंगे ठंडा हो जाता है, यानी वर्षा के बाद जो मौसम आता है वो शीतकालीन होता है। शीतकालीन के प्रारंभिक दौर में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर का महीना होता है और ज्यादातर ठंडी जो होती है दिसंबर तक होता है। तो देखिए, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जो फसल लगती है, यानी वह फसल जो ठंडी में लगती है, उसको रबी की फसल कहा जाता है। ये आपको पता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, रबी की फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन पूछा जा रहा है, क्योंकि यहां पर भारतीय राज्यों के नाम लिखा है, तो भारत में सर्वाधिक या भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कासे काफी, कासे कर्नाटक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो काफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में होता है। भारतीय काफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। वैसे की जाती है कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक पूछे या सर्वाधिक पूछे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पीली क्रांति का समय, देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीली क्रांति, नीली क्रांति, झींगा क्रांति या फिर आपको हरित क्रांति से पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न बनता है। तो भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से किस वर्ष में हुई थी? 1986। इसकी शुरुआत कब से हुई थी मित्रों? 1986 में मानी जाती है। वहीं गोल्डन, गोल्डन का मतलब क्या होता है? सुनहरी, गोल्डन लिख देता हूं मैं, इसको भी नोट कर लीजिए, सुनहरी। सुनहरी क्रांति का संबंध जो होता है फलों से, यानी शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो आप ये जानते रहिए, फलों और शहद के उत्पादन से किसका संबंध है? सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन क्रांति का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, क्या कर रहा है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसा कि हमने ये आपको थंबनेल में आपसे ये प्रश्न पूछा हुआ है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी राजस्थान में, जो हमारे विद्वान साथी राजस्थान से जुड़ते हैं उनको पता होगा, राजस्थान के झुंझुन, राजस्थान के झुझुनू, झुझुनू, राजस्थान के झुझुनू जिला, ये क्या है? एक जिला है, झुंझुनू जिले में स्थित है, जो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत में तांबा उत्पादन इसका दूसरा स्थान है, यानी तांबा के उत्पादन में किसका स्थान दूसरा है? इसी का दूसरा स्थान है। यानी इस क्वेश्चन का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा सही जवाब आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हीरे की खाने कहाँ पाई जाती हैं? देखिए इस प्रश्न पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत में मध्य प्रदेश राज्य के बारे में आपको पता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला, आप जो एमपी वाले होंगे उनको पता है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य का हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। पहली चीज तो ये प्रश्न यही हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीरे के उत्पादन में सर्वाधिक, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन कह सकते हैं, भारत में सर्वाधिक हीरा किस राज्य में पाया जाता है या कहां से उत्पादित होता है? तो मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। यहां के पन्ना क्या है आपको बता देना चाहूंगा, पन्ना तथा सतना जिले हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। देश में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन पन्ना में होता है, यानी ये पन्ना क्या है? एक जिला है। सतना भी क्या है? जिला है, जहां मैहर मैया की एक आप देखते हैं दिव्य स्थान है, वहां का ही वही जिले का, इस जिले का नाम है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल,
कॉटन मिल का मतलब क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना प्रथम प्रयास में अगर देखा जाए तो 1818 ईस्वी में। बहुत ही आसान है इसको याद करना, 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। कहां पर किया गया था मित्र? उस स्थान का नाम आपको पता होना चाहिए, कभी कभी स्थान देता है, फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था जो कि असफल रहा। इसके बाद जो सफल प्रयास रहा वो 1856 ईस्वी में कावस जी डाबर नाना भाई द्वारा। अब ये कहाँ है भैया? मुंबई का नाम आप देख रहे हैं, मुंबई में किया गया। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपने कई बार पूछा होगा, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर मुंबई, जिसको बंबई कहते हैं, भारत की कपास नगरी भी इसको कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन के, भारत की कपास नगरी मुंबई, भारत का मैनचेस्टर मुंबई, तो दोनों प्रश्नों में आपका यही सवाल का जवाब होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रश्न थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की बात कर रहा है। तो भारत में रेल सवारी डिब्बे, गाड़ी के डिब्बे, इंटीग्रल कोच जिसको कहते हैं, पेराम्बूर तमिलनाडु में। ये कहाँ पर स्थित है मित्र? तमिलनाडु। ये एक स्टेशन का नाम है, तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी 1952 ईस्वी में हुई थी और 1955 ईस्वी में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ। ऐसा एक कारखाना हल्दिया पश्चिम बंगाल में भी स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7वीं के बाद क्वेश्चन नंबर 8वीं पर आपके स्क्रीन पर, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? लौह इस्पात उद्योग कहने का मतलब क्या होता है? लोहे का उद्योग। तो भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल कहां पर? औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों से साकची। ये देखिए यहां पर आपको मैं लिख देता हूं साकची। अब ये साकची भैया है कहां? आपको ऑप्शन में साकची नहीं दिया, तो ये जमशेदपुर नामक गांव, ये साकची वैसे गांव है, जमशेदपुर एक मोहल्ला टाइप का, टोली टाइप का, यानी फेमस है, तो जमशेदपुर नामक गांव में शुरू हुआ। यहां लौह इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। कौन थे? जमशेद जी टाटा थे। वर्तमान में इसे टिस्को, बहुत फेमस कंपनी है आपको पता है, टिस्को के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टिस्को के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9वें पर आपके सामने, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, पुणे कहाँ है? ये महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण आपसे अगर पूछा जाए तो आप नोट कर लीजिए, 6 अप्रैल 1947 को हुआ था। और आपको बता दूं मित्रों, 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया। तो दो प्रश्न आपसे और भी इसी से लगे हुए, सटे हुए पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, कहाँ स्थित है? तो पुणे में। इसकी स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1947 को। और इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 3 जनवरी 1950 को। बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हैं? कोलकाता और दिल्ली की बात यहां पर कर रहा है। दिल्ली को कोलकाता से, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली को कोलकाता से NH-19, ये आप देख रहे हैं, NH-19 जोड़ता है, जो दिल्ली से आप देखेंगे तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कई मर्तबे पूछा है मित्र, इसकी कुल लंबाई 1454 किलोमीटर, कितना? 1454 किलोमीटर है। पूर्व से
पूर्व का मतलब क्या होता है, ईस्ट से, पूर्व से इसे NH2, पूर्व से इसे NH2 के नाम से जाना जाता था, जिसे ग्रैंड ट्रक रोड भी कहते थे, जिसको आपने सुना होगा GT रोड, पहले आपको याद होगा GT रोड इसी को कहा जाता था। इसका निर्माण किसने कराया ये पूछा जाता है, कई बार पूछा है, तो इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, इसीलिए इसे शेर शाह सूरी राजमार्ग से भी जाना जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि बताइए किसको शेर शाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, NH2 GT रोड को ही शेर शाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिवस हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब अगले पार्ट में देते हैं। तो अब पिछले पार्ट का एक प्रश्न है जिसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था और बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया था। ये बात नहीं है यहाँ पर मायने रखती कि किसने गलत दिया किसने सही दिया, जिसने गलत दिया उसने भी सही दिया और जिसने सही दिया वो तो सही दिया ही, लेकिन जिसने कुछ नहीं दिया वो पूरा गलत किया, आप ये समझ लीजिए। तो आप प्रयास किया करिए मित्र, अगर आप लास्ट तक वीडियो वॉच करते हैं, ऐसे वीडियोज आपके एग्जामिनेशंस की रीढ़ हैं, आपके एग्जामिनेशंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो इसलिए जवाब जरूर दिया करिए लास्ट में पूछे गए प्रश्न का। क्वेश्चन क्या था उस पर डिस्कस करता हूं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए विकल्प में दिए गए बंदरगाहों की न्यूनतम अगर हम लंबाई देखें, दो तीन तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो उसमें जो सर्वाधिक बड़ा होता वही दिया जाता है। तो दो तरीके से बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी लंबाई देख लेते हैं। जैसे कांडला की यहां पे क्या करें, गहराई कांडला की अगर हम गहराई नापने के लिए बात करें, इसकी गहराई का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है 4.6 मीटर। कितना मीटर? 4.6 मीटर। कोचीन जो है, जो बंदरगाह है, इसकी जो गहराई है वो है 12.8 मीटर। इसके बाद है पारादीप की जो गहराई है वो है 17.1 मीटर। और उसके बाद ऑप्शन डी दिख रहा है मार्मा गोवा की जो गहराई है मित्र, ये है 14.4 मीटर। कितना? 14.4 मीटर। अब बात ये करता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक गहराई वाला, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को देखेंगे कि सबसे ज्यादा गहराई किसकी दिख रही है आपको, पारादीप की, यानी ऑप्शन सी हो जा रहा है आपका सही जवाब। मित्र एक चीज, दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि किसी बंदरगाह की न्यूनतम गहराई द्वारा ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस बंदरगाह पर अधिकतम कितनी लंबाई के पोतों का संचालन संभव हो सकता है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है, जैसे इसमें तो दिया नहीं है लेकिन वैसे क्या है आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, हम लिख देते हैं विशाखापत्तनम। तो आपको जरूरी नहीं कि अब विशाखापत्तनम जो अगर होता ऑप्शन में तब तो आप बता लेते, लेकिन यहाँ पर आपको विशाखापत्तनम नहीं दिया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के PCS प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। क्यों बाहर कर दिया गया था? क्योंकि यहाँ पर ये चीज दे दिया कि भारत का सर्वाधिक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया था। वहां क्वेश्चन ये कहना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, ऐसी स्थिति में आपका ऑप्शन सी होगा। लेकिन अगर आपसे भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पूछे तो विशाखापत्तनम होता। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। हर दिन की बात, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की ऊंची चोटी कौन सी है? और यहां पर एक चीज लिखा है, सबसे ऊंची चोटी उठ कमंड अन्नाई मुदी दोदा बेट्टा और इसके बाद महाबलेश्वर। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है मित्रों कमेंट के माध्यम से। आशा करता हूं कि आज का पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे हमारे मित्र जिन्होंने पूरा वीडियो वॉच किया, उनको वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके YouTube का हिस्सा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।